हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए, इवन मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम्स रहता है उसी के लिए, इवन रेगुलर स्टडी आपका रेगुलर सिलेबस में भी रहता है। सीबीएसई का बोर्ड लीजिए, स्टेट बोर्ड लीजिए या तो आईसीएसई बोर्ड लीजिए। इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा और उसका फॉर्मूला किस हिसाब से डिराइव हुआ है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट दूसरा भी एक वीडियो है जिसमें है कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट इसका एक वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा लिया कि सिंपल इंटरेस्ट के कौन कौन से टर्म्स हम किस हिसाब से उसको एक ही फॉर्मूले से किस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट नाम में ही बहुत कुछ है, सिंपल एक साधारण ही है, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, मराठी में कहते हैं साधारण ब्याज, लगभग सेम ही है नोमेनक्लेचर। ये इंटरेस्ट मतलब ब्याज रहता है जो कि परसेंटेज में रहता है। परसेंट मतलब क्या रहता है, ये हम उसको कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब आप स्पेसिफिक नंबर्स में कहते हैं तो 100 में से मतलब परसेंट, पर सेंट, सेंट क्या है, ये सेंट इस मतलब है 100 और ये ग्रीक वर्ड है और इसी का एक टर्न हुआ है सेंचुरी। तो ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया। तो परसेंट मतलब हर 100 के पीछे कितना, अगर आप कहेंगे कि मुझे हर 100 के पीछे मुझे 6 चाहिए तो आप ये कह सकते हैं कि 6%। अगर आप कहेंगे कि मुझे 100 में से मुझे हर 100 के पीछे मुझे समझ लीजिए 10 चाहिए तो 10% हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। तो ये फॉर्मूला किस हिसाब से आया है, तो सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करना चाहिए। तो फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग करने से पहले मैं आपको जस्ट उसके टर्म्स दूंगा, आप डिनोशन दीजिए, समझ लीजिए PRT। बहुत सी जगह टी जो रहता है ये पीरियड रहता है उसको एन भी कहते हैं, बहुत सी जगह उसको एन भी डिनोट किया जाता है। तो ये एन रहता है, आर रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पीसीपी है, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है। ओके, तो जो आप अमाउंट उसमें आप डालेंगे पर्टिकुलरली विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चाहिए उसको, और पर्टिकुलरली बाउंडेशन ऑफ द पीरियड। ओके, ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पीसीपीए में ही काउंट किया जाता है। पीसीपीए क्या है, पर सेंट, पी फॉर पर, सी फॉर सेंट, अगेन जो पी है दूसरा उसको पर है, और ए फॉर एनम, एनम मतलब क्या है ईयर। ओके, मतलब 365 डेज ज्यादातर से कैलकुलेट होता है, 366 नहीं पकड़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी भी डेज में अगर कैलकुलेट करेंगे इस रेट को, अगर समझ लीजिए ईयर से अगर आप पर डे समथिंग 30 डेज या 45 डेज का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो उस वक्त आपको 365 पे से ही डिवाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 366 से नहीं करना है या तो 364 से भी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर से यूनिवर्सल 365 डे ही कंसिडर किया जाता है एज एवरेज ऑफ एनी ईयर, फिर वो लीप ईयर हो कुछ ऐसा समझ में या कंसिडर नहीं किया जाता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पी, जब जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, जो भी आप अमाउंट डालेंगे समझ लीजिए 1000 रुपीज, 10,000, 1 लाख, जो भी कुछ है उसके ऊपर आपका कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर जो कितना पीरियड, अगर 1 साल है या तो 2 साल है या तो 3 साल है, जो भी है, या तो 2 महीने भी, मंथ में भी आप कंसिडर कर सकते हैं, तो डेज में भी कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही, जैसे मैंने बताया कि उसका ईयर टू डेज में या तो ईयर टू मंथ में भी आपको कैलकुलेट करना है। तो जो अमाउंट आपकी डिराइव हो जाएगी, ओके, तो इसको कहेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इस ये इंटरेस्ट अगर फिर से आपके प्रिंसिपल अमाउंट में अगर आप जोड़ेंगे तो हो गया आपका अमाउंट, जो आपका रिटर्न हो गया विथ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका बैंक का पूरा रिटर्न। जब हम डालते, अब समझ लीजिए आपने यहाँ पे 1000 रुपये डाल दिए, ओके, सॉरी 1000 रुपये डाल दिए और आप पे इंटरेस्ट हो गया समझ लीजिए समथिंग कितने भी दिन का, अगर समझ लीजिए उसमें 100 रुपये आपका ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट आया तो टोटल कितना बन गया 1100 रुपये। ओके, तो इसको हम कहेंगे कि अमाउंट, ये आपकी रिटर्न अमाउंट आ गई। ओके, तो इसमें हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे, अमाउंट तो उसमें फिर से अगर प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दिया तो वो बन जाती है अमाउंट। ओके, तो ये इंटरेस्ट क्या है एग्जैक्टली, कैसे आता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये तो प्रोसेस कैसा है। एग्जांपल हम लेंगे बैंक का, सुन लीजिए आपके आपको कोई अकाउंट है बैंक में, हर कोई का रहता ही है,
तो मनी डिपॉजिट अगर आपने बैंक में किया फॉर पर्टिकुलर समथिंग पीरियड के लिए, समझ लीजिए आपने 1 साल के लिए मतलब 1 ईयर के लिए डाल दिया, जो भी कुछ अमाउंट आपने इसमें डिपॉजिट कर दिया, ओके, आपने कहा कि 1 साल के लिए मुझे ये अमाउंट फिक्स करना है, या तो फिक्स डिपॉजिट डाल दीजिए या तो आपके अकाउंट में बढ़ने रहने दीजिए जो सेविंग हम यूज कर सकते हैं। तो समझ लीजिए 1 साल का पीरियड हमने कंसिडर किया, तो बैंक क्या करती है आपसे इतना पैसा वो जो भी रहता है उस पीरियड में वो भी खुद यूज होता है और वो पूरा टर्न रोटेशन में आ जाता है। उसके बदले में इस टाइम फ्रेम के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है पीएम जो जो डिडक्ट किए इसमें और कुछ अमाउंट ऐड करके दे देंगे। तो ऐड करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होना है, कुछ एग्जैक्टली रूल होना है कि किस हिसाब से हम ऐड करेंगे, हर कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जितना उसका पीरियड है उसी हिसाब से उसको जाना चाहिए। तो इसीलिए बैंक क्या करती है स्पेसिफिकली परसेंटेज फिक्स करते हैं कि हर 100 रुपये के पीछे कितना इंटरेस्ट आना चाहिए हर ईयर के लिए, हर 100 रुपये के लिए हर ईयर के लिए समथिंग इतना रुपीज हम उसको रिटर्न एज ए देंगे। तो समझ लीजिए 10 रुपीज पर 100 पर ईयर हम देंगे, ऐसा अगर बैंक ने फिक्स किया है तो इसका मतलब क्या हो गया पर सेंट, 100 मतलब पर सेंट, पर ईयर मतलब एनम, पर एनम पीसीपीए हो गया तो 10 PCPA, मगर ये हर 100 के पीछे इसीलिए 100%, ओके, ये परसेंट में डाल दिया हर 100 के पीछे, मतलब ये सिंबॉलिक यूनिशन रहता है परसेंटेज से, ओके, तो आप या तो परसेंट में कहिए या तो पीसीपी में कहिए, ओके, तो हम ज़्यादा से परसेंट में कहेंगे तो इसका मतलब ये ही रहता है कि पीसीपी है। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो भी आपको बैंक रिटर्न करेगी या तो पे करेगी तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट है विथ ईयर कैलकुलेशन है तो जो टाइम फ्रेम्स के कैलकुलेशन से आपको रिटर्न दिया जाएगा बैंक के थ्रू विथ इंटरेस्ट और विथ अमाउंट, तो ये जो पूरा जोड़ के हो गया ये जो आपको बैंक रिटर्न देगी विथ कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको कहेंगे हम पूरा आपका ब्याज मिल गया, ओके। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 10% इसको कंसिडर होगा, ओके, तो ये हो गया सिंपल। फिर आप 1 साल के लिए डालेंगे, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए या तो 5 साल के लिए, अगर आपने कहा कि सिंपल है तो सिंपल है, ये इसलिए सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से रहता है। मगर समझ लीजिए वही आपने 1 साल के बाद फिर से दूसरे साल में उसको टर्न किया, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो उसको कहेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन आएगा, उसी को कहेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये चक्र की तरह वो घूमता रहता है, फिर से आगे में एज अ वो प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर करके वो चला जाता है, फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट काउंट करके एडिशन होकर एक अमाउंट बनेगी जो प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर करेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ये हम आगे दूसरे वाले वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो भी वीडियो देखते रहिए, ओके। तो ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट का क्लैरिफिकेशन। इसमें आप एक याद रखिए कि हर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इंटरेस्ट परसेंटेज हमें उसे मल्टीप्लाई करना है और टाइम फ्रेम भी मल्टीपल करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। अब ये 100 क्यों आया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 100 क्यों हमने कंसिडर किया। देखिए समझ लीजिए हमने ये जैसे कि हमने यहाँ पे हर 100 के पीछे किया है, ओके, आपने यहाँ पे अगर समझ लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट 3000 किया, ठीक है, 3000 है, बैंक आपको हर 100 के पीछे 10 रुपया दे रही है, मतलब 10% दे रही है हर 100 रुपये के पीछे। अभी 100 और 3000 है, 100 का कितना 3000 टाइम्स है, तो उस वो टाइम्स निकालने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मतलब ये 30 आ जाएगा, तो 30 टाइम्स आ गया, तो वो ही टाइम्स जो है मल्टीपल वो मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए, इसीलिए इसको हम पहले 100 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए पी बाय 100 आ गया, ओके, जो कि अपना इसमें इंटरेस्ट के मतलब 100 के हर 100 के पीछे का जो अमाउंट है वो कितना उसको हम कहेंगे कि कितना टाइम्स है, जिसको हम कहेंगे कि कितना पर्ट है वो, उसके लिए 100 से उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीपल जो है 10 से करेंगे, ये जो हो गया अपना, ओके, और उसको मल्टीपल बाय ईयर भी करेंगे, मतलब तो एम या तो 1 है या 2 है, ओके, ये हो गया। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि ये 100% का है, 10% इसलिए उसको दिया, वो भी करेक्ट ही है, क्योंकि एक ही हो जाता है, पी के पीछे आप 100 का
जो पार्ट निकालेंगे 100 से डिवाइड कीजिए, या तो परसेंट का जो है, परसेंट मतलब हर 100, 1/100 मतलब ये हो जाता है परसेंट। फिर अब अगर आप 6% करेंगे तो मतलब 6/100 आ गया, ओके। तो एक ही हो जाता है, इसलिए पी आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन डिवाइडेड बाय 100, ये आपका फॉर्मूला बना है, ओके। मुझे लगता है कि, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझे पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा डाउट क्लैरिफाई करूंगा, समझा दूंगा, ओके। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वाला भी वीडियो देखिए जो कि है कंपाउंड के लिए, ओके। धन्यवाद।